सो हेलो फ्रेंड्स, सर प्रथम आप सभी को मेरा प्रणाम। तो गाइस, मैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, जो कि होने वाला है इंडियन ओवरसीज बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप के ऊपर। ठीक है, क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग उसे प्रयास कर रहे हैं, उनके उसके अंदर यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन है, बट यूपीआई यूज नहीं कर पा रहे हैं उस ऐप से। ठीक है, तो मैं आपको आज इस बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि आप मोबाइल बैंकिंग ऐप जो है इंडियन ओवरसीज बैंक का, उससे आप यूपीआई पेमेंट कैसे कर सकते हैं या फिर स्कैनर से पेमेंट कैसे कर सकते हैं। आपको इस बारे में आज कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। आप कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, तो वीडियो पूरा एंड तक बने रहेगा, आपको वीडियो पसंद आने वाली है और आपको बिल्कुल सटीक जानकारी दूंगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं एंड देखते हैं कि क्या इसका प्रोसीजर है, ठीक है, यूपीआई पेमेंट करने का इंडियन ओवरसीज बैंक की मोबाइल बैंकिंग ऐप में। तो गाइस, आप सभी देख सकते हैं कि आप लोग के सामने फोन का होम स्क्रीन लेके आ चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास भी इंडियन ओवरसीज बैंक का अगर मोबाइल बैंकिंग आप ऐप यूज कर रहे हैं, तो अगर आप भी उसके अंदर यूपीआई यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो उसका क्या रीज़न है, सबसे पहले आपको बता दूँ कि रीज़न क्या है। देखिए, यूपीआई यूज़ करने के लिए जो है ना, इंडियन ओवरसीज़ बैंक आपको एक अलग ऐप, यानी कि आपको एक डिफरेंट ऐप प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, जो कि आप अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि आप इस पर जैसे ही जाएंगे, यूपीआई पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देखते हैं, प्लीज़ क्रिएट बीपीए यूपीआई आईडी यूजिंग विम आईओबी यूपीआई। ठीक है, ऐप तो आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि आप इस ऐप को यूज़ करके अपने यूपीआई को यूज़ कर सकते हैं। ओके, आप देखते हैं यहाँ पे अलर्ट करके यहाँ पे दे रखा है, तो आपको इसमें डायरेक्टली यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना होगा। ओके पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सिंपली यहाँ से हट जाना होगा एंड यहाँ पे आके आपको अपने प्ले स्टोर में यहाँ पे सर्च कर देना होगा IOBVHIM UPI ऐप। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे देखते हैं कि भीम IOB UPI ऐप नाम से एक ऐप है, जो कि मैंने इंस्टॉल कर रखा है। तो इसको डायरेक्टली मैं ऐसे ओपन कर लेता हूँ। आप इस पे जैसे ही यहाँ पे ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे UPI सेव हु बैंकिंग टिप्स, आपको डायरेक्टली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आई एग्री पे क्लिक करना होगा। आपके फ़ोन में जो भी सिम कार्ड होगा डायरेक्टली ये डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर जो है वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद आपको ये सक्सेसफुली यहाँ पे लिंक हो जाएगा। ठीक है, आपका मोबाइल नंबर आप देखते हैं यहाँ पे SMS सेंड योर मोबाइल नंबर। ठीक है, आपका हमारा ही जैसे ही SMS आएगा यहाँ पे डायरेक्टली OTP अपने आप ये फैच कर लेगा और फैच करने के बाद ये डायरेक्टली यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद हमारे डिटेल मांग रहा है, तो मैं अपनी डिटेल्स भर देता हूँ। आपको भी अपनी डिटेल्स यहाँ पे भर देनी होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आ गया है सेट अप पिन। ठीक है, तो हम यहाँ पे पिन अपना लगा लेंगे। आपको जो भी पिन डालना हो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आपको अपना एक सेटअप कर लेना होगा पिन। ठीक है, इसका सबमिट कर देना होगा। जैसे सबमिट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलर्ट पिन सेट सक्सेसफुली, आपका जो है सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है हमको अब ये एक यूपीआई आईडी क्रिएट करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो अपना यूपीआई आईडी क्रिएट कर सकते हैं या फिर आपको जो है ना ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे @IOB करके हमारा ये यूपीआई आईडी आ चुका है। अगर आप इसी को रखना चाहते हैं तो इस पर आप डायरेक्टली यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। प्रोसीड पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका कौन सा बैंक है। आपको ये यहाँ पे कह रहा है सेलेक्ट करने, तो हमारा इंडियन ओवरसीज बैंक है। प्रोसीड पे क्लिक कर देना होगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा। आपको अपने अकाउंट नंबर पे क्लिक करके प्रोसीड कर देना होगा। फिर यहाँ पे देख सकते हो अलर्ट फिर से आया, दिस अकाउंट विल बी लिंक टू ऑल योर अवेलेबल VPS। ठीक, ओके पे क्लिक कर देना होगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा और ये जो है हमारा सारा का सारा प्रक्रिया यहाँ पे देखते हैं सक्सेस, अकाउंट लिंक सक्सेसफुली। आपको ओके पे क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं सक्सेस, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर इन भीम IOB UPI विद योर UPI आईडी, आपका लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सब कुछ हटा देना होगा। उसके बाद आपका ये ऐप है, ठीक है, भीम IOB UPI, आपको इस पर जाना होगा। आपने जो भी यहाँ पे अपना पिन लगाया आपको डाल देना होगा और आप यहाँ पे पिन जैसे डालेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डू यू वांट टू इनेबल बायोमेट्रिक लॉगिन। तो आप इस सो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो है सक्सेसफुली ऐप हमारे यहाँ पे ओपन हो चुका है। ठीक है, और अगर आप अब किसी को भी यहाँ से पेमेंट करना चाहते हैं तो बहुत ही ईजिली और सक्सेसफुली कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं स्कैन एंड पे का आपको ऑप्शन मिल चुका है। आप किसी को भी स्कैन करके यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली सेंड मनी आप कर सकते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं मोबाइल नंबर पर। ठीक है, तो आप बहुत ही आसानी से इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है भाई आई इंडियन ओवरसीज बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप में जो UPI है उसको यूज़ करना आ गया हो। बाकी अगर वीडियो पसंद आए जरूर से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपके लिए ये जानकारी कितनी ज़्यादा मतलब लाभकारी थी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।